नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। एसपी विधायक आजम खान को 3 साल की सजा। आजम खान की विधानसभा सदस्यता जानी तय। हेट स्पीच मामले में रामपुर कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। 2019 लोकसभा चुनाव में हेट स्पीच का ये पूरा मामला है। रामपुर की MP MLA कोर्ट ने ये फैसला दिया है। 2019 लोकसभा चुनाव में आजम खान ने हेट स्पीच दिया था, जिसके बाद एक बीजेपी नेता ने इनके खिलाफ याचिका दायर की थी MP MLA कोर्ट में, और उसके बाद रामपुर की MP MLA कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए आज 3 साल की सजा सुनाई है। हेट स्पीच मामले में रामपुर कोर्ट ने सजा सुनाई है। आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई है। आजम खान की विधानसभा सदस्यता जानी भी तय है। हेट स्पीच मामले में रामपुर कोर्ट ने सजा सुनाई। आजम खान को 3 साल की सजा। 2019 लोकसभा चुनाव में आजम खान ने हेट स्पीच दिया था, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ रामपुर में MP MLA कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद सुनवाई करते हुए रामपुर MP MLA कोर्ट ने आज ये सजा सुनाई है। 3 साल की सजा आजम खान को। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड दानिश वारसी जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ जानकारी मिल के आ पा रही है? एसपी विधायक आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई है। हेट स्पीच मामले में रामपुर कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। अरे ये बिल्कुल उत्तर आजम खान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो शिकंजा है वो कस गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा था कि हेट स्पीच को मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सख्त है, और हेट स्पीच को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक गाइडलाइन जारी करी थी कि अब हेट स्पीच को लेकर के सख्ती बरती जाए और हेट स्पीच को पर संज्ञान लिया जाए, जिसको लेकर के आज ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर के निर्देश जारी किया था। ये दोनों निर्देश कहीं ना कहीं दूसरे से मिलते जुलते हैं, और आजम खान पर जो रामपुर में 3 साल पहले जो हेट स्पीच का जो बयान दिया गया था, जो विवादित बयान था 2019 में, उसमें प्रधानमंत्री मोदी और वहां के जो DM थे उनके खिलाफ एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, मैं कह सकता हूँ विवादित बयान था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट से आज 3 साल की सजा का प्रावधान रखकर सजा सुनाई गई है, जिसमें शायद इनकी जो विधायकी है यानी MLA जो वो इसे छीन सकता है, जिसको लेकर के मैं कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी में एक बड़ा ही गंभीर ये मामला हो सकता है। समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता है आजम खान, और उसके बेटे विधायक अब्दुल्ला भी विधायक हैं, और आजम खान साहब रामपुर से सांसद भी रहे थे, लेकिन अब विधायक थे, उनकी विधायकी जाने का संकट आ चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस सजा को सुनाया है, एक बात तो साफ हो गई है, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आना कि हेट स्पीच को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का गंभीर होना, और कुछ दिन बाद आजम खान के ऊपर 3 साल की सजा हो जाना, ये एक दूसरे से मिलते जुलते को लेकर के कुछ कॉम्बिनेशन दिखता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, ये धारा को लेकर के सुनाया होगा। इस धारा के तहत उनका ये कहना है कि उन्होंने जो विवादित बयान दिया था, विवादित बयान के तहत आजम खान साहब को 3 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि आजम खान साहब बताए जा रहे थे कि पहले बीमार चल रहे थे, कुछ दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे हैं, और इससे पहले भी आजम खान साहब कुछ ऐसे बयान को लेकर के भी चर्चा में रहते थे। समाजवादी पार्टी में अगर मुख्य प्रवक्ता कहे तो वो आजम खान साहब माने जाते थे। आजम खान साहब के स्पीच और बयानों को लेकर के प्रदेश से लेकर के मीडिया भी इस चीज को लेकर के अलर्ट रहती थी कि शायद आजम खान साहब कुछ ऐसा बोलेंगे जो चर्चा में आएगा, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से काफी ज्यादा विषयपूर्ण होगा और विपक्ष के लिए एक तंज की तरह होगा। इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में इनको 3 साल की सजा सुनाई है। ये बेहद ही गंभीर है, और आजम खान के लिए विधायकी जाने का एक संकट है। क्या दानिश अपने बचाव में आजम खान सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिका दायर करेंगे या हाई कोर्ट में, क्योंकि 8-9 दिनों का शायद समय भी दिया गया है उनको? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट का जब कोई जजमेंट आता है तो उसमें कुछ मोहलत के भी रास्ते होते हैं, और ये तो उनके लायर तय करेंगे कि अभी उसको क्या करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है।
जिस जजमेंट के तहत जो फैसला आना है वो फैसला आ चुका है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत दी कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, लेकिन उनके लायर कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि सभी को अपना प्रोटेस्ट रखने का अधिकार होता है कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में प्रोटेस्ट रखने का अधिकार उस लायर को है। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी भी मंथन करेगी, और शायद आजम खान जो वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के वो भी मंथन करेंगे, उनके लायर कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आजम खान के ऊपर विधायकी का शतक मंडरा रहा है, को लेकर के सुप्रीम जो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम निर्देश है उस निर्देश के तहत आजम खान के ऊपर विधायकी जाने का संकट बरकरार है। दानिश, बड़ी बात ये है कि अभी अभी जेल से छूट करके भी आए हैं आजम खान, और फिर एक बार 3 साल की सजा सुना दी गई है। जी, मैं वही कह रहा था कि आप जानते हैं कि आजम खान पर 90 से ज्यादा मुकदमे हैं, और घटना कराने वाले भी वहाँ के स्थानीय लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि मुकदमे छोटे से लेकर बड़े मुर्गी मुकदमे, चाहे वो बकरी चोरी के हों, चाहे वो मुर्गी चोरी के हों, भैंस चोरी, तमाम जैसे मुकदमे के ऊपर 90 से ज्यादा मुकदमों की संख्या बढ़ाई जाए रही है। आजम खान के ऊपर ये भी मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का भी कहीं ना कहीं योग अच्छे से हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाया है वो इन मुकदमों के बीच में जो मुकदमा है हेड स्पीच, उस हेड स्पीच में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया है। तो अब इससे कैसे जाना चाहिए क्योंकि आजम खान पे अगर हेड स्पीच पे कार्रवाई हो रही है तो क्या आने वाले भी स्पीच पे कार्रवाई होगी। शुक्रिया दानिश आपका ज्यादा जानकारी के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, फिर आपके पास लौटेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक, होटल राजहंस में विजन 2047 के लिए बैठक शुरू हो गई है। बैठक में देश भर के गृह मंत्री, डीजीपी, गृह सचिव शामिल होंगे। जिन मुख्यमंत्रियों के पास प्रदेश में गृह विभाग है वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। 2 दिवसीय बैठक आज शाम 7 बजे तक चलेगी। कल ये बैठक 9:30 बजे पुनः शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। फरीदाबाद में यह बैठक है जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं जिनके पास गृह विभाग मौजूद है। होटल राजहंस में विजन 2047 के लिए बैठक शुरू की गई है। बैठक में देश भर के गृह मंत्री, डीजीपी, गृह सचिव शामिल हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड दानिश वारसी जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ जानकारी है गृह विभाग के, जो गृह विभाग है मुख्यमंत्रियों के पास उनकी बैठक बुलाई गई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक ले रहे हैं, होटल राजहंस में विजन 2047 के लिए बैठक हो रही है। देखिए, ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 2047 को लेकर के एक एजेंडे के तहत ये काम हो रहा है, और अमित शाह इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें उत्तर तमाम देश के डीजीपी और मुख्य सचिव, गृह विभाग के जितने अधिकारी वो सब इसमें शामिल होंगे, बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक कल 9:30 बजे तक चलेगी, और इस बैठक में एक निर्णय ये लिया जा सकता है कि गृह विभाग को अपने पास रखने की जिम्मेदारी शायद अमित शाह ले सकते हैं, यानी कि अब जो गृह विभाग की जिम्मेदारी होगी वो मुख्यमंत्रियों के पास शायद न रहे, हो सकता है शायद आपको होम मिनिस्टर इसकी मॉनिटरिंग करें। इसको लेकर के अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं दिल्ली के होटलों में, और उसमें मुख्य सचिव, डीजीपी और गृह सचिव जितने भी लोग हैं गृह मंत्रालय से जुड़े हुए वो सभी उसमें शामिल हो रहे हैं, और ये कल रात तक चलेगी इस मीटिंग में, और इसमें कई मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। तो इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण निर्णय या फैसला ही माना जा रहा है कि जितने भी गृह विभाग के जो आदेश होंगे या गृह मंत्रालय का जितना भी सिस्टम होगा, गृह मंत्रालय से जुड़ी जो भी सारी व्यवस्थाएं होंगी वो शायद गृह मंत्री खुद देखेंगे, वो केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यकाल के समक्ष रखी जाएंगी, और अमित शाह इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इसको लेकर के महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, हालांकि कुछ पलों की देरी ये बात अभी साफ हो जाएगी,
जिसकी जो मीटिंग चल रही है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, मुख्य सचिव शामिल हो रहे हैं, डीजीपी शामिल हो रहे हैं, गृह विभाग के अधिकारी शामिल हो रहे हैं, तो उसको लेकर के स्थिति होने के लिए बस कुछ ही देर में कह सकता हूँ 24 घंटे बाद साफ हो जाएगा कि गृह मंत्रालय की जो विशेष जिम्मेदारी है क्या वो गृह विभाग अपने पास रखने के लिए अमित शाह ने एक मीटिंग करी है या ये मुख्यमंत्रियों से हाथ करके सीधे केंद्र मंत्रालय के अंदर में आ जाएगा। दानिश, विजन 2047 के लिए बैठक है, क्या है विजन 2047, कुछ जानकारी? देखिए 2024 का भी लोकसभा का चुनाव आना है तो उसको लेकर के भी तैयारी को समझा जा रहा है। बीजेपी को शायद इतना भरोसा है कि 2047 तक उनकी सरकार शायद देश में रहेगी। हालांकि ये इस पर कुछ पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन ये उनका अपना मानना है। 2047 तक इस बात को लेकर के वो फीडबैक ले रहे हैं। मुझे लगता है कि 2047 तक कोई ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं या कोई ऐसा संशोधन करेंगे कि 2047 तक गृह विभाग केंद्र गृह मंत्रालय के अंदर में रहे और उसकी मॉनिटरिंग गृह मंत्री रहे। बिल्कुल जी, प्रदेश में अराजकताओं को लेकर के, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के ये गृह मंत्री की बड़ी बैठक हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अभी इसमें 24 घंटे का समय है और मुझे लगता है कि स्पेशली मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, डीजीपी हैं, गृह सचिव, तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया है, तो इसको लेकर के कुछ पहले से प्लानिंग की गई होगी। तो 2047 का जो मोटिव है उसको लेकर के क्या प्लानिंग है ये तो 24 घंटे बाद ही पता चलेगी, लेकिन गृह विभाग अपने पास रखने का पूरा मंथन चल रहा है गृह मंत्री का। शुक्रिया दानिश आपका, बनी रही आप हमारे साथ, फिर आपके पास लौटेंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में 20 सड़क पुलिसकर्मी को सरेआम पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये घटना बुधवार रात की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि 4 लड़के पुलिसकर्मी को बीच सड़क पर पीट रहे हैं। इतना ही नहीं, उनमें से एक युवक ने उसका मोबाइल भी उठाकर सड़क पर पटक देता है। दरअसल एक ही बाइक पर ये 4 बदमाश सवार थे, जिसके बाद से दीवान द्वारा रोके जाने पर युवकों ने सरेआम दीवान की पिटाई कर दी। पुलिसकर्मी ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई है। लखनऊ से यह खबर है, 4 युवकों ने पुलिस को ही पीट दिया। बाइक पर ये 4 सवार थे, जिसके बाद 4 को दीवान ने जब रोका तो उसके बाद ये पुलिस से ही मारपीट करने लगे। आप देख सकते हैं, बीच सड़क पर पुलिस को ये 4 बदमाश मार रहे हैं। वो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड दानिश वारसी जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ अपडेट है? ये 4 युवक पुलिसकर्मी को ही पीट रहे हैं। लखनऊ के थाना पारा के अंतर्गत से ये वीडियो बताया जा रहा है। ये सोशल साइट पर जो वायरल हुआ है तो इसको लेकर के अधिकारी हरकत में आए हैं। हालांकि अभी इस मामले में कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये 4 युवक को बताया जा रहा है कि दीवान से किसी कारण बहस को लेकर के ऐसा हुआ है। और इन 4 युवकों ने, आपने देखा होगा कि वीडियो में दीवान बताया जा रहे हैं, तो पारा चौकी थाना अंतर्गत से इनको 4 युवक मतलब बुरी तरीके से मार पीट रहे हैं। तो इससे एक बात ये भी साबित हो गई क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो लखनऊ पुलिस है, क्या लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट का भय खत्म हो गया है, या पुलिस के ऊपर जिस तरीके से 4 युवक लगातार उनको पीट रहे हैं, तो इससे सोचिए कि उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल, जिसको राजधानी लखनऊ कहते हैं, जहाँ पर खुद सीएम बैठते हैं, कमिश्नर बैठते हैं, डीजीपी बैठते हैं, उसको उस शहर में अगर दीवान के ऊपर ये हमला हो रहा है 4 लोगों द्वारा, तो इसके बाद साबित हो गई कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं अंधेरे में है। और अब कानून का ना तो खौफ किसी में दिखता है और ना ही कानून को लेकर के कोई गंभीर दिख रहा है, इसको दीवान पर नहीं बल्कि पुलिस के इकबाल पे हो गया है। बिल्कुल दानिश, इस तरह की घटना, पुलिस जो कानून व्यवस्था को बनाए रखती है, अराजकताओं को दूर करती है, उसी पर इस तरह का व्यवहार करना कहीं ना कहीं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये हमला किसी पुलिसकर्मी दीवान पर नहीं बल्कि पुलिस के इकबाल पर है, कानून पर है, कानून के साथ साथ
जिस क्रिमिनल ऑफेंस को दिखाया जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो पुलिस कर्मी है उनके ऊपर जो वर्दी की जो खौफ होता है, जो वर्दी का रौब होता है, कहते हैं कि एक खाकी का रौब आर्मी से ज्यादा होता है, वो रौब यहाँ पर नहीं दिख रहा है। किस तरीके से चार युवक दीवान को लगातार दौड़ा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं और वीडियो सोशल साइट पर वायरल हो जाता है, इसके अभी तक कुछ आरोप अधिकारियों ने मुझे लगता कि संज्ञान लिया होगा। लेकिन पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में लागू होने के बाद इस तरीके से पुलिस का इकबाल पर खत्म होना, पुलिस के इकबाल सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है कि जिस राजधानी में मुख्यमंत्री बैठते हो, डीजीपी बैठते हो, वहाँ के आला अधिकारी बैठते हो, बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है बिल्कुल। और ये कल का वीडियो है, अब तक क्या इस पर कार्रवाई हुई है, क्या चारों आरोपियों को पकड़ा गया है या अभी फरार चल रहे हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं हो पाया है उसमें, लेकिन कोशिश की जा रही है, देखते हैं। फिलहाल तो अभी तक पुलिस ने कोई संज्ञान लिया है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हो पाई कौन लोग थे, फिलहाल जांच चल रही है। ठीक, ओके, शुक्रिया दानिश आपका ज्यादा जानकारी के लिए। खबर बाराबंकी से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बाराबंकी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप के बड़े भाई और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। दरअसल कल हार्ट अटैक के चलते अरविंद सिंह गोप के बड़े भाई अशोक सिंह का आकस्मिक निधन हो गया था। हिमाचल विधानसभा चुनाव में राम रहीम की एंट्री, राजनेता ने धार्मिक डेरों की तरफ ताकना किया शुरू, डेरों में शीश नवाते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं राजनेता, वर्चुअल माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों में सत्संग, राजनेता सत्संग में राम रहीम का आशीर्वाद लेने पहुंचे। हिमाचल के परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर पहुंचे डेरा, हिमाचल के परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर पहुंचे डेरा, हिमाचल विधानसभा चुनाव में राम रहीम की एंट्री हो गई है, राजनेता ने धार्मिक डेरों की तरफ ताकना शुरू कर दिया है, डेरों में शीश नवाते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं राजनेता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल विधानसभा चुनाव में राम रहीम की एंट्री, राजनेता ने धार्मिक डेरों की तरफ ताकना किया शुरू, डेरों में शीश नवाते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं राजनेता, वर्चुअल माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों में सत्संग, राजनेता सत्संग में राम रहीम का आशीर्वाद लेने पहुंचे। हिमाचल के परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर पहुंचे डेरा, फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।